एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सोचा कि आप लोगों के साथ अनरेडी वीडियो और अनरेडी व्लॉग शेयर कर लूं। और अभी अभी ये वाला मेकअप लुक कंप्लीट हुआ है और उसके बाद घर के बहुत सारे काम करने होंगे। और इसको भी मैंने खाना खिला दिया है, लेकिन आधा खाया है इसने और आधा बाकी है, खा नहीं रही है। और बीच बीच में गैप छोड़ के इसको खिलाती हूँ, तो रिएक्शन हम इसका लेते कि कैसा लग रहा है ये मेकअप। और ना मेरी अभी तक वॉइस, मतलब सर्दी जुखाम हो गया था ना, अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। और लग गए उसको, और भी 5-6 दिन लग जाएंगे। तबीयत तो ठीक है, लेकिन गला जो वो बैठा हुआ है। और अभी मैंने इस आउटफिट के साथ ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा ये वाला मेकअप लुक। एक्चुअली मैंने स्मोकी आई मेकअप 1 साल पहले किया हुआ था, और उसके बाद अभी कर रही हूँ। 2 अटेम्प्ट में जाके ये वाला सही हुआ है। और मेकअप वीडियो तो आप लोगों को पहले ही मिल चुका होगा, और अनरेडी वीडियो ये वाला शूट होने वाला है। और कैसा लगा ये वाला मेकअप, हाँ कैसा है? तो चलिए, जो भी काम है अभी उसको हम कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। आपने अभी आउटफिट देखा कैसा लगा? बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट है, वो फ्लिपकार्ट से लिया हुआ था। और आपको अभी दिखाती हूँ कि सामान कैसा बिखरा हुआ है, सब कुछ समेटना है और फिर लंच भी बनाना है। और जो आधा इसने खाया है, गैप छोड़ा हुआ था थोड़ा, अभी उसको वो भी खिलाना है। दिखाती हूँ अभी, इसने तोड़ फोड़ के रखा हुआ है। यहाँ ये जो आई शेडो पैलेट है ना, इसका आई शेडो पैलेट है, और इसने ये तोड़ फोड़ के रखा हुआ है। और मैंने इसके अंदर मेकअप का सामान रखा हुआ है, क्योंकि जो मेकअप बॉक्स है ना, वो हमारे जो पुराने वाले घर में वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग 6 महीने के लिए आए, तो पूरा सामान क्यों लाना, इसलिए मैं नहीं लाई थी। जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं मेकअप के लिए, बस मैं वही लेके आई थी वीडियो के लिए। तो और आधा मेकअप का सामान वहाँ रखा हुआ है। ये मेकअप ना बाद में उतारूंगी, सबसे पहले मैं लंच बना लेती हूँ, क्योंकि मैं ये सुबह सुबह ये वीडियो शूट कर रही थी, और यहाँ पे पता नहीं क्या लग गया। सुबह सुबह ये वीडियो शूट कर रही थी, तो सबसे पहले मैं लंच बना लेती हूँ। और उसके बाद, अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है, 10:30 बजे है, सब कुछ खत्म हो चुका है, 1 घंटे में सारा काम खत्म हो जाएगा। लंच बनाऊंगी और उसके बाद हम लोग मेकअप उतारेंगे और व्लॉग भी शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ। एग करी आज बनने वाली है, तो अंडा मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, छोड़ दिया है। और अब हम मसाला रेडी करते हैं। तो माही वहाँ पे बैठ के टीवी देख रही है, तब तक हम अपना फेस मेकअप जो है वो रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने फेस वॉश और सब कुछ मैंने वॉशरूम में ही यूज़ किया। बेडरूम में यूज़ करती तो सारा सामान जो है, पानी जो है फैल जाता है इसलिए। और मैं ऑयल से अपना मेकअप रिमूव करूँगी। और उसके बाद मैंने फेस वॉश किया है, सिंपल का मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। और उसके बाद मैंने पोन्स का सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया हुआ है। मेरा मसाला सब कुछ रेडी हो चुका है, और एग भी बॉईल हो चुका है। और ये देखो नीचे क्या कर रही है, इसको ये सब चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, ये सब फेंकने के लिए इसको चाहिए होता है, और इसको भी फेंकने के लिए चाहिए होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या कर रही है। देखिए इसने क्या हालत बना के रखी है, सिर्फ 10 मिनट हुए थे मुझे इसको साफ किए हुए, और इसने सब कुछ फैला के रखा है। अभी फिर से मुझे इसको रखना पड़ेगा, जब ये सो जाएगी तो तब फिर से मैं झाड़ू करूंगी। एग को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और मसाला मैंने चढ़ा दिया है, बस प्याज लहसुन डालना बाकी है, थोड़ा ये फ्राई हो जाए। और यहाँ पे चावल मैं डालने वाली हूँ, बस ये गर्म हो जाए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं जब ये लंच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो
वहाँ पे लंच बन रहा है, आधे घंटे में लंच कंप्लीट हो जाएगा और मैं यहाँ आके बेडरूम में बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी वहाँ पे, और माही यहाँ पे खाना खा रही है और जब तक वो खा रही है मैं उसे यहाँ बैठ के देख रही हूँ, क्योंकि अगर अकेला छोड़ के चली गई तो वो पता नहीं नाक में अगर घुस गया एक भी मतलब खाना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसको बैठ के यहाँ देखती हूँ जब तक वो सही से खाना खा नहीं लेती है। और घर की 3-4 बार सफाई भी हो चुकी है, क्योंकि उसने सामान जो है वो फैलाया हुआ था और उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर ली है। 3-4 बार घर की तो साफ़ सफाई हो ही जाती है। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अनरेडी व्लॉग? तो यही होता है डेली रूटीन एज अ मदर, एज अ यूट्यूबर और एज अ हाउसवाइफ। सो अगर आज की वीडियो और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलती हूँ आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।